Hey, what's up guys, this is Gaurav here and welcome back to our channel. So I hope आप सभी लोग मस्त होंगे like me. तो आज का सीन शाम का ऐसा है कि first of all पहले आप ये view देखो, it's just awesome. तो आपको ये place के बारे में पहले मैं बताऊँ, तो ये जो है place का name है उमरिया dam और ये दाहोद से almost 33 किलोमीटर है. तो ये दाहोद से ज़्यादा दूर भी नहीं है और आपको इतना अच्छा व्यू भी मिल जाता है. तो पहले आपको थोड़ा बहुत व्यू के बारे में बता दूं क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इधर व्यू पॉइंट ही देखने आते हैं. ओके, सो गाइस दिस इज़ द फुल व्यू ऑफ उमरिया डैम और ये यहाँ से डैम ओवरफ्लो का सिस्टम रख दिया इन लोगों ने. और इसमें दो पॉइंट है, फर्स्ट जो हम लोग इधर हैं और जो सेकेंड पॉइंट वहाँ सामने. तो दो व्यू पॉइंट से हम इस डैम को देख सकते हैं. पहले यहाँ का देखते हैं फिर उधर साइड जाएंगे. तो गाइज फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा डैम देखा जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी आ जा सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है इधर. मीन्स फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कुछ बवाल नहीं इधर, और मतलब कि कहीं भी आप जा सकते हो. और ये आप पीछे देख रहे हो, ये लग रहा है कि मेंटेनेंस रूम है. इधर एक मशीन लगी हुई, रुको मैं दिखाता हूँ आप सभी को. ये देखो यहाँ है ना मशीन लगी हुई है, ये पूरा कनेक्टेड है. यहाँ से रुको दिखा रहा हूँ, ये देखो दिस इज़ दी हाइट. ये इतना बोलता है 285 मीटर ये मैक्सिमम हाइट है, फिर यहाँ से ये ओवरफ्लो हो जाएगा. देखो यहाँ से अपने को पूरा व्यू दिखता है इधर का, फिर ये पूरा डैम का व्यू है. और यहाँ से आप लोग ये जो पहाड़ है छोटा सा, यहाँ भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, बट जाना कोई ज़रूरी नहीं है, जैसी आपकी मर्ज़ी. और डैम है ना बहुत ही सही तरीके से मेनटेन करके रखा है इन लोग ने, क्योंकि यहाँ साफ़ सफ़ाई एकदम अच्छे से और कचरा भी नहीं सरा भी. और यहाँ से आप पीछे देखोगे तो पूरा आपको पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे और फोटोग्राफी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो इधर आके. मेरी जितनी भी फ़ोटोज़ है आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, आईडी इज़ हियर. तो अभी मैं यहाँ से पीछे से ये कूद के अपने ये वाली लोकेशन पर जा सकते हैं, सेकेंड लोकेशन. सामने जाने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि सामने से भी व्यू पॉइंट यही होगा ज़्यादातर, क्योंकि सामने से ये वाला जो एरिया है वो कैप्चर होगा. अभी यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ठीक है. यहाँ से डैम बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है गाइस. ये डैम के क्या ही कहने हैं यार, सही में आप लोग को भी ज़रूर आना चाहिए. एक तो दाहोद से इतना पास और ये डैम छूट गया था हम लोग से, ऐसा नहीं होना चाहिए था. तो भाई लोग थोड़ी यहाँ की लोकेशन की बात करते हैं कि यहाँ की लोकेशन पे पहुँचे कैसे. आप लोग नॉर्मली गूगल पे सर्च मार लेना उमरिया डैम, तो आपको एकदम परफेक्ट लोकेशन मिल जाएगी यहाँ की. और रोड भी एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा थोड़ा पहले आप लोगों को डर सा लगेगा बट ऐसा कुछ नहीं है. पर यहाँ डैम पे आके एकदम पूरा सुकून. अभी बारिश इतनी ज़्यादा गिरी नहीं है, इसके वजह से ये डैम है ना थोड़ा खाली अभी, क्योंकि ये ओवरफ्लो वाला है, यहाँ तक पानी आ जाता है ऐसा मैंने देखा था, गूगल पर देखा था. तो ये डैम के बारे में मैंने बहुत पहले सोचा था, यूँ ही सर्च मारा था गूगल पे कि अपने एरिया के आसपास में कौन कौन सी अच्छी जगह है या कुछ बच रहा है, तो मुझे ये वाली जगह मिल गई. और यहाँ आके ऐसा नहीं है कि वेस्ट हो गया अपना सब चीज़, क्योंकि व्यू देख रहे हो, आप ही देख रहे हो, तो यहाँ आप लोग भी ज़रूर आना. तो अभी नीचे जाता हूँ फिर वहाँ से अलग व्यू दिखाता हूँ. Come follow me to a secret place.
क्या बोल रहा है, मगरमच्छ वगरमच्छ तो नहीं इधर? तो आप लोग ये वाले पॉइंट पे बहुत आसानी से आ सकते हो पीछे से, बट अपने रिस्क से आना, क्योंकि पानी है तो पानी कोई का होता नहीं है, इसीलिए थोड़ा संभल के आना। ओके, तो ये जगह भी थोड़ी बहुत काली डैम जैसी है, क्योंकि आप लोग नीचे आ सकते हो, बट यहाँ पहाड़ पीछे देख रहे हो आप, ये सब जाता है। काली डैम में पूरा डैम ही है, नदी है, बट यहाँ पहाड़ जाता है, इसके वजह से यहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे हिसाब से काली डैम और यहाँ पे कंपेयर करें तो ये जीत जाता है। इधर का पानी भी एकदम साफ, एकदम मस्त। क्यों सी हम? तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर के लिए। फोटोग्राफी हो चुकी है, वीडियोग्राफी हो गई, ब्लॉग बना दिया मैंने। और आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपकी इच्छा है कि दाहोद से मैं 30-40 किलोमीटर दूर जाऊं, तो ये प्लेस आप प्रीफर कर सकते हैं। तो गाइज, आज का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का सब चीज़ ख़त्म हो गया, और हम लोग अच्छे से घूम लिए और अब वापस घर के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो को अपने यहाँ तक रखेंगे। आई होप आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई है, और आप चैनल पे नए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। तो हम लोग की किस्मत क्या अभी बहुत सही थी, जैसे ही हम लोग दाहोद पहुंचे, ये पेट्रोल पंप आया, थोड़ा सा आगे निकल गए थे, तो वैसे एकदम खतरनाक बारिश चालू हो गई थी। तो अच्छा है पेट्रोल पंप दिख गया, तो यहाँ आके अब इधर स्टॉप किया, फिर हम घर जाते हैं थोड़ी देर में। चल शिवम, बता कि कैसा लगा देखो डैम? ठीक ठाक कि एवरेज कि बेकार? ठीक ठाक ठीक ठाक था ना।